नौवीं जमात के शुरू में कहीं से, तो उसके जहांगीरी मेरे हत्थे चढ़ गई। मैं सारा दिन हम जमातों को इसके वाकयात सुनाता न थकता। वो मैं मास्टर गुलाम रसूल की जहनीत से वाकिफ था, लेकिन नई नई जवानी चढ़ी थी, अनाप फन उठाए खड़ी थी। मैंने हम जमातों पर अपना रोक डालने के लिए एक रोज़ क्लास में जुर्रत से कहा, मास्टर जी, आपने तुझके जहांगीरी पढ़ी है? जब तू अभी थोड़ा थोड़ा मुक्ता फिरता था तब मैंने इसको पढ़ा था। बैठ जा और ज़्यादा इल्मियत ना बिगाड़ा कर क्लास में। मास्टर जी, मैंने ज़रा सी और कोशिश के बाद कहा, क्या है? इसमें कुछ ऐसे वाक्यात दर्ज हैं जिनको पढ़कर एहसास होता है कि बादशाह जहांगीर कुछ ऐसा रहमदिल नहीं था। मास्टर गुलाम रसूल ने चाक का टुकड़ा पड़ियल मेज़ पर मारा। नूर जहां से शादी की, ये रहमदिली नहीं थी। कोई बादशाह किसी दुहाजों से शादी करता है, उसको कमी थी कंवारियों की। बोल बता, ये रहमदिली नहीं तो और क्या है, बता। मास्टर जी और मैं मुख्तलिफ पैमानों से रहमदिली को नापते थे। जहांगीर ने एक मुलजिम को मास्टर जी बकरे की खाल में बंद करवा के ऊपर से खाल सिलवा दी थी। मुलजिम था ना, कोई बेगुनाह तो नहीं था? सज़ा हमेशा बेहतरी के लिए दी जाती है। अब मैं तुमको मारता हूँ तो क्या इसका फ़ायदा मुझे होता है, बताओ? सारी सज़ा मुलजिम के फ़ायदे के लिए होती है, लेकिन मास्टर जी, जो बकरी की खाल में सिलवा दिया गया उसको क्या फ़ायदा हुआ? बैठ जा, बैठ जा और बहसी ना जाया कर अपने बड़े भाई मुख्तार की तरह। मतलब हो ना हो बहसी चला जा रहा है, बोले जा रहा है। खैर से मूंछें आ जाएं सीधी पदरी तो बात करेंगे जहांगीर आजम की। वो सिकंदर आजम की तरह हर मुग़ल बादशाह के साथ आजम लगाने के आदी थे। अपनी मूंछों के सिलसिले में मैं पहले ही कुछ शर्मसार रहता था, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया। लेकिन इल्मियत बिगाड़ने वाले लड़के ने मेरे अंदर कहीं बगावत कर दी।